क्या आप सोचते हो यार? ये माइक में किसी को प्रॉब्लम नहीं आती, मेरे को ही आती है। ऊपर नीचे क्यों होती आवाज? हेलो, ऐसा आता है ना ऊपर नीचे, थोड़ा कुछ वेरिएशन है। चलिए, इसमें ज्यादा सही है क्या? इससे कौन पढ़ाता है? हेलो हेलो हेलो, छोड़ो, कल वल देखेंगे। हाँ, तो आप बोध ग्रुप देने वाले लोग रेज योर हैंड। गुड, बढ़िया। कसम खाओ कि आखिरी लेक्चर तक बैठोगे, क्योंकि पिछली बार कम से कम 8 बच्चे ऐसे थे जो इस बार शॉर्ट शॉर्ट बोध ग्रुप क्लियर थे, लेकिन 1.5 महीने पहले उनको किसी ने 1.5 अकल दी और उन्होंने 2 अकल बना करके फर्स्ट ग्रुप ही कंसंट्रेट करके पढ़ा, और फिर बाद में वही हुआ कि एक ही ग्रुप दिया, भरा फॉर्म दोनों का, दिया एक ग्रुप, और जब पेपर आए सेकंड ग्रुप के तो घर पे बैठ के हाथ मल रहे थे कि तो हम कब के कर देते। तो ऐसे ही होता है, तो बनाया ही बोध ग्रुप दोनों ग्रुप देने के लिए ही है ना? किसी ने अगर एलिजिबिलिटी बनाई है तो एलिजिबिलिटी दी ही गई है। समझ में आया? ये बिल्कुल ध्यान रखना कि कोई बोध ग्रुप दिए हैं तो बोध ग्रुप देना ही है अपने को, और बोध ग्रुप क्लियर होते भी हैं, और अभी रिजल्ट आपके सामने ही आएगा, तो जब रिजल्ट आएगा तो उस समय ऐसा नहीं हो जाए कि आप बोलो यार मैं भी बोध ग्रुप दे सकता हूँ क्या। जब आप यहाँ आए हुए बच्चों को देखोगे, उनकी बातें सुनोगे, तो आपको लगेगा कि यार ये तो हम भी कर सकते हैं, तो बाद में न लगे। इसलिए अभी भी समय है, खैर अब समय नहीं है क्योंकि मेरे ख्याल FM तो खत्म होने वाला। हाँ, तो कोई बात नहीं, दूसरे टीचर FM पढ़ा रहे हैं। आज से फिर चालू हुआ है FM, एक नया FM चालू हुआ है, वो दूसरे सर पढ़ा रहे हैं, तो रोहित सर, तो ठीक है, उनको अभी भी मौका है। बाकी ऑडिट, SM और IT तो मेरे ख्याल आज ही से चालू हुए। गुड। अब जैसा कि हमेशा होता है, फाउंडेशन जो सब्जेक्ट था लॉ, इट वॉज नॉट माई सब्जेक्ट एट ऑल। चूंकि कोई नहीं था पढ़ाने के लिए, इसलिए मुझे लॉ पढ़ाना शुरू करना पड़ा। आई एम द ओरिजिनल टीचर ऑफ ऑडिटिंग ओनली। वो लॉ तो मैं इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि वो वैसे भी टुच्चा सब्जेक्ट है और उसको कोई भी पढ़ा सकता है, तो नाट्य अकेडमी ने कहा कि जब कोई भी पढ़ा सकता है तो तुम ही पढ़ा लो, तो वो मैं पढ़ा रहा हूँ। तो लॉ इज लाइक दैट ओनली, लॉ इज नॉट माई फर्स्ट लव। माई फर्स्ट एंड लास्ट लव इज ऑडिट। हाँ, तो आई एम द टीचर ऑफ ऑडिटिंग, और लॉ में आपको बहुत मिल जाएंगे, ऑडिट में मैं अकेला हूँ, इसकी गारंटी। अब जो आपको करना है, कल भी मैंने खुलेआम टेलीग्राम पे बच्चों से पूछा कि मैं जो आपको कॉपी तैयार करवाता हूँ, मैं इन नए बच्चे जो हैं इनको स्लाइड पे पढ़ाऊँ या कॉपी तैयार करवाऊँ, और उन्होंने ज़बरदस्त तरीके से बोला है कि आपको कॉपी ही तैयार करनी होगी, वी हैव नो हेल्प ऑफ हैविंग एनीथिंग ऑन स्लाइड्स। कुछ एक चैप्टर हैं जो स्लाइड्स पे हो सकते हैं, जो हमेशा होते हैं, जैसे LLP और कंपनीज एक्ट हमने स्लाइड पे किया था, तो ऐसे छोटे मोटे कोई नॉन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स होंगे तो वो स्लाइड्स पे होंगे, अदरवाइज तो आपको आपकी कॉपी ही तैयार करनी पड़ेगी। यस्टरडे आई हैव रिसीव्ड सो मेनी मैसेजेस फ्रॉम माई स्टूडेंट हु हैव गिवन द एग्ज़ाम, और उन्होंने जो मुझे फीडबैक्स भेजे थे पर्सनली, मैंने उनसे फीडबैक मंगाए थे ऑन प्रिपरेशन ऑफ कॉपी, सो दे हैव गिवन, सीधा सीधा उन्होंने तो बोल दिया कि सर आप तो कॉपी ही बना करके लिखवाइए, बिकॉज दैट इज़ द ओनली थिंग जो हमें लास्ट में काम
आई है तो मैं आपको बता दूं, ताकि कुछ लोग क्या है, कुछ महान आलसी लोग होते हैं, उनको ऐसा लगता है कि यार ये कॉपी लिखवा रहा है तो अब इसको अपन लिख के क्या करना है, ये तो ठीक है, ये इसका काम है इसलिए लिखवा रहा है. सो आई एम जस्ट गिविंग यू वन ऑफ द फीडबैक. सर कॉपी हेल्प्स अ लॉट, इट हेल्प्स इन बिल्डिंग एंड अप्लाइंग द कंसेप्ट. फर्स्ट आई हैव रीड द रिटन नोट्स ऑफ योर्स एंड देन मॉड्यूल विच हेल्प इन एक्सेलिंग द एग्जाम. ये कॉपी के बारे में एक ओपिनियन था. इसके अलावा बहुत सारे ओपिनियन आए. एक तो मीम बना के मेरे को भेजता था बच्चा, ही उसी का ओपिनियन है. मीम दिखे तो मत टेंशन लेना, वो मीम में हटा नहीं सकता हूँ वहाँ से. हाँ, सो सर कॉपी वॉज द बेस्ट वे टू रिवाइज, देर इज नथिंग टू चेंज इन योर टीचिंग स्टाइल, एवरीथिंग वॉज अमेजिंग. ये रिजल्ट उन्हीं के हैं और ये वो ही भेज रहे हैं. अगेन सी अनदर, ये सब मैंने कल मंगाए ताकि, बिकॉज आई वॉज इन कन्फ्यूजन कि मेरे को आपको किस तरीके से लेके जाना है. सर कॉपी वॉज वेरी यूजफुल स्पेशली एट द डे बिफोर एग्जाम. आई ओनली गो थ्रू द मॉड्यूल एंड कॉपी एंड वॉज एबल टू रिमेंबर ऑल द सेक्शंस ऑफ कंपनी लॉ एंड एसेज. आई ओनली फोकस ऑन मॉड्यूल एंड कॉपी विच वॉज प्रूवन टू बी एक्सट्रीमली यूजफुल इन एग्जाम. दीज आर द स्ट्रेट फॉरवर्ड फीडबैक फ्रॉम द स्टूडेंट्स एंड लॉट मेनी आर देयर. तो अब जो जिस मैथड, और हर बार मैं ये पूछता हूँ क्योंकि क्या है, हमारे पढ़ाते पढ़ाते ही जनरेशन चेंज हो गई. सबसे पहले जब हम 90s में पढ़ाते थे तो नोट्स भी नहीं होते थे, मॉड्यूल होता था, मेरी बकबक होती थी, बच्चे खुद नोट्स बनाते थे. फिर 2000 से 2010 के बीच में बच्चों को नोट्स दिए गए, मैं बकबक करता था, बच्चे मेरे नोट्स में से नोट्स बनाते थे और पास होते थे. फिर 2010 से 2015 आया, तब मेरे नोट्स मैं देता था, कुछ मैं नोट करवाता था, कुछ वो नोट करके लाते थे और सब हो जाता था. फिर 2015 के बाद से जो चालू हुआ है ये कि साहब नोट्स भी आप ही बनवाओ, नोट्स आप दे रहे हो, बनवाओ भी आप ही, हमारी कॉपी तैयार हो जाए. समथिंग इन कॉपी इज बेटर देन नथिंग इन माइंड. तो ठीक है, अब मैंने कहा 2015 से अब 2025 आने वाला भैया, 2022 तो हो ही गया, तो मैंने कहा अभी और कोई टेस्ट में चेंज आया हो तो पूछ पाछ लें, ये जनरेशन का कोई भरोसा नहीं, अभी कोई नई चीज़ चालू हो जाए. तो मैंने पूछा, बट अभी तक तो फीडबैक यही है कि आप ऐसे ही पढ़ाओ, तो हम वैसे ही पढ़ रहे हैं, है ना. तो हमारा एक पैड होता है और उसका कलर हमेशा पिंक होता है क्योंकि ऑडिट हमेशा पिंक होता है, बेरंग चीज़ को पिंक करके बेचा जा सकता मार्केट में. चलिए, अब मेरा एक सब्जेक्ट जो है दैट इज, नाम क्या है, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस. आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आपको कितने पेज की कॉपी बनानी है? कम से कम 200, एटलीस्ट 200 पेज की कॉपी. हो सकता है कम पड़ जाए तो दो वॉल्यूम बना लेना, कोई दिक्कत नहीं. नाउ औकात कितनी है सब्जेक्ट की? 100 मार्क्स. पूरा ही डिस्क्रिप्टिव. 30 नंबर के MCQ, 10 नंबर के करेक्ट इनकरेक्ट और 60 नंबर के डिस्क्रिप्टिव. इतना होने के बाद भी बंदा लेके आता 42-43. पास होने वाले की बात कर रहा हूँ, फेल होने वाले की नहीं. फेल होने वाले के तो मार्क्स दो अंकों में भी नहीं आते हैं, 8, 9,
मतलब आप समझ लो मैग्नीट्यूड इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का, कि मेरे पूरे 30 साल के कैरियर में 86 मार्क्स हाईएस्ट रहे हैं किसी भी स्टूडेंट्स के, एंड इट इज रिकॉर्ड ब्रेकिंग परफॉर्मेंस, 86 मार्क्स। बाकी दुनिया में जो चल रहा है वो तो आपको मालूम, दैट इज फेक। 86 मार्क्स इज हाईएस्ट मार्क्स। इसके बाद और स्टूडेंट्स आए हैं 76 से 78 मार्क्स वाले भी काफ़ी सारे, 70 से 75 मार्क्स वाले भी कई हैं, लेकिन जनरली जो मार्क्स होते हैं वो होते हैं 60 to 65। ये गुड है, ये वेरी गुड है, ये वेरी वेरी गुड है, और ये एक्सेलेंट, यानी इसके ऊपर तो है ही नहीं, ये तो पार एक्सेलेंस, इसके ऊपर है ही नहीं। तो कोई अगर आज से ये सोच रहा हो कि वो 100 out of 100 ऑडिट में लाएगा, तो वो यहाँ आके बैठ जाए, मैं वहाँ बैठने को तैयार हूँ। मैं खुद नहीं लिख सकता भाई साहब, हो ही नहीं सकता, इट्स नॉट पॉसिबल। हाँ आप कर दो बहुत अच्छी बात है, कर दो तो बहुत अच्छी बात है, देर इज नो पॉइंट। सो ये अब मैं आपको बता दूं कि जो ये पूरी क्लास बैठी हुई है, इसमें से 60% लोग मार्क्स लेके आएंगे 45 से 55। कौन आएंगे वो मुझे नहीं मालूम है। उसके नेक्स्ट 30% लाएंगे 55 से 65, और कोई 10% लोग होंगे जिनके मार्क्स आएंगे 65 to 75। 75 के बाद तो मेरी लॉटरी है, जो भी आया वो। फेल होने वालों को मार्क्स नहीं बताऊंगा, ये यहां बैठे बच्चों में से जो मार्क्स पास होने वालों के बारे में बात कर रहा हूं। एज नाटा एकेडमी का रिजल्ट यहाँ पर आप मान के चलो 70% के करीब जाता है, लोअर साइड पे भी जाएं तो 60%। तो 60% में पास होने वालों में ये हालत है, और बोथ ग्रुप का रिजल्ट सिंगल ग्रुप के रिजल्ट से ज़्यादा होता है नाटा एकेडमी का, ये भी ध्रुव सत्य है। सिंगल ग्रुप के रिजल्ट का जो परसेंटेज आता है उससे ज़्यादा परसेंटेज बोथ ग्रुप के रिजल्ट का है, तो दैट इज अनदर थिंग। पर अब आपके ऊपर है कि आप उसको कैसे परसीव करते हो। तो ये ओवरऑल सब्जेक्ट की बात है। मैं पढ़ाऊंगा और मेरे से पढ़ोगे तो तुमको 70 आ जाएंगे, सुपर खोटी बात, पॉसिबल ही नहीं कि मैं पढ़ाऊंगा और मेरे से पढ़ लिए तो तुमको नंबर आ जाएंगे। हाँ मैंने यहाँ जो पढ़ाया अगले 15 मिनट में, मतलब घर में 15 से 20 से 25 मिनट आपको पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप मेरे साथ साथ नहीं पढ़ोगे बर्बाद हो जाओगे, पानी भी नहीं मांगोगे एग्जाम में, सही कह रहा हूँ मैं, मतलब बहुत हालत, ये सब्जेक्ट बहुत अलग है। सर आप डरा रहे हो, बता रहा हूँ डर तुम रहे हो, इम्पोर्टेंट बहुत क्लियर है ये, नहीं ना बताना ही पड़ेगा सब्जेक्ट तो, इसमें कुछ होता ही नहीं है, इसमें या तो आता है और या तो नहीं आता है, और फांक के तो कुछ होता नहीं है, पूरी पूरी कॉपी भरी हुई होती है, नंबर आते हैं 9, 10, यहाँ लिखने के नंबर नहीं मिलते हैं, सिर्फ सही लिखने के नंबर मिलते हैं, लिखने के तो नंबर है ही नहीं, सिर्फ सही लिखने के नंबर हैं। ढेर कॉपियाँ मेरे इस आईपैड में, मौका पड़ने पर दिखाऊंगा कि पेज पेज भर लिखो, वो इतनी जघन्यता से क्रूरतापूर्वक जीरो कर देते हैं उसको, जीरो। आदमी बोलता है इतना लिखा कुछ तो दे, कुछ नहीं मिलेगा, बीए कर ले, जितनी कॉपी पेज भरेगा उतने नंबर मिलेंगे। हमें क्या करना होगा, यहां जगना होगा और घर पर 15 मिनट पढ़ना होगा। क्या हम यहां जग गए और 15 मिनट पढ़ लिए तो हमको मार्क्स आ जाएंगे? नहीं, उसके बाद मैं जितने यहाँ टेस्ट रखूँगा वो टेस्ट देना होंगे। चलो सर हम यहाँ जग लिए, घर पे पढ़ लिए, टेस्ट दे लिए, अब पास हो जाएंगे? नहीं, मॉक टेस्ट जितने दूंगा वो भी पढ़ना पड़ेंगे।
तो सर मॉक टेस्ट भी दे देंगे फिर पास हो जाएंगे? नहीं, उसके बाद जो एग्जाम हॉल है उसमें 3 घंटे मैं जिस तरीके से बताऊंगा उस तरीके से परफॉर्म करना पड़ेगा। अच्छा, तो मतलब आप जिस तरीके से बताओगे उस तरीके से अगर हमने परफॉर्म कर दिया तो हम पास हो जाएंगे? हाँ, इस सब्जेक्ट में तो हो जाओगे, बाकी की गारंटी नहीं। सिर्फ बसों पे आसान है सीए, बाकी कहीं भी आसान नहीं है। नाउ कम टू द पॉइंट, ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, लेट स्टार्ट। सर आप हमें रटवाओगे? बिल्कुल नहीं, समझ नहीं पड़ेगा। लॉ रटा था क्या? बिजनेस लॉ रटा था क्या? किसने रटा था? हाँ, तो रटने जैसे ही नंबर आए थे फिर। चलिए, खैर, लॉ एक अलग चीज़ थी और आप अलग चीज़ हो। अब हम बात कर रहे हैं ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, सब्जेक्ट क्या है। चलो सब्जेक्ट तो ओपन करें, ये पहली बार हो रहा है कि मैं बिना फर्स्ट ग्रुप को टच करे सेकेंड ग्रुप स्टार्ट कर रहा हूँ। अदरवाइज इट हैज नेवर बीन हैपेंड कि मुझे फर्स्ट ग्रुप के पहले ऑडिटिंग स्टार्ट करना पड़ा, क्योंकि इस बार फाउंडेशन डिले हो गई थोड़ी सी, तो दिसंबर में हो गई और उनके एग्जाम ही लेट हुए थे, तो फाउंडेशन अभी तक चल रही है, इसलिए नहीं तो मैं पहले आ जाता हूँ। बट ठीक है, वी विल डू। अब आप बार बार मेरे को जो सीढ़ियों पर आके पूछ रहे थे कब आओगे कब आओगे, अब मैं लिख के दे देता हूँ, आके बोलने वाले हो करीब 2 ढाई महीने बाद कब जाओगे, तो अब मैं तुम्हारे माथे पे आके बैठ गया हूँ और अब मेरा टाइम बढ़ता ही जाएगा, क्योंकि अभी मुझे आपको 100 मार्क्स का ये पढ़ाना है, 30 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेकेंड ग्रुप के पढ़ाने हैं, 30 मार्क्स का लॉ पढ़ाना है और उधर 30 मार्क्स के अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ाने हैं। तो बावा 100 प्लस 30 प्लस 30 प्लस 30, 190 नंबर का ये आदमी शुरू ही हो रहा है अब। तो अब ये ताला बंद करके ही जाएगा, शटर डाउन करना हमारा काम है, खोलना नाटा जी का। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। जी बाबू जी आ गए, गड़िया उधर आ गया अपना एक फाउंडेशन ला। जी बाबू जी, चलिए नाउ लेट स्टार्ट। कितने लोग मुझसे पहली बार पढ़ रहे हैं, फर्स्ट टाइम इंटरेक्टिंग विथ मी? ओ गॉड, चलो आप लोगों को दो चीजें बता दूं, मैं इतराता बहुत हूं। आई लव माई सेल्फ वेरी मच, और मैं इतराता हूं और आपको झेलना पड़ेगा। दूसरी बात, मैं डसता भी बहुत हूं और वो आपको समझना पड़ेगा, बाकी आप देख ही लेना, है ना। बस ये बताना जरूरी होता है, डिस्क्लेमर देना जरूरी होता है। क्या है, लोगों के ईगो होते हैं, बोले ये आदमी इतना क्यों रहा है, मैंने पहले ही बता दिया, आई लव माई सेल्फ, दैट्स इट। चलिए लेट्स स्टार्ट। ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, ये वर्ड ऑडिटिंग क्यों है और क्या है? ऑडिट वर्ड जो आया, ये आया कहाँ से? हमने अपनी जिंदगी में सुना है कि ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट नाम की कोई चीज होती है, और हमने पेपर में जब भी पढ़ा कि कहीं कोई घपला हुआ, फ्रॉड पकड़ में आया, तो फ्रॉड पकड़ में आने के बाद पहला उंगली जो उठी वो तो उसके ऑनर पे उठी जो उस कंपनी का था, और दूसरी उंगली जो उठती है वो उठती है कि भैया ऑडिटर क्या कर रहा था। सो व्हाट इज ऑडिट, ऑडिट क्या है? 1949 से हम इंडिया में द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया है, हमारा वजूद है, उससे पहले भी था बट इट वॉज इन अ डिफरेंट एक्ट। ओके, तो ये ऑडिट क्या है, ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या, और हटाओ अलग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या है? तो सर फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन इक्विटी अगर अप्लीकेबल हो तो, कैश फ्लो स्टेटमेंट, ऊपर से कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट अगर अप्लीकेबल हो तो वो, ये सारा बंडल क्या कहलाता है?
फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन केस ऑफ बिग कंसर्न्स लाइक लिस्टेड कंपनी एंड ऑल, छोटे लोगों का क्या? हाँ, छोटे लोगों को भी ले लो, प्रोपराइटर भी ले लो, पार्टनर भी ले लो, क्लब भी ले लो, ट्रस्ट भी ले लो, सोसाइटी भी ले लो, तो देर आर 1% कंपनी भी ले लो, स्मॉल कंपनी भी ले लो, सेक्शन 8 कंपनी भी ले लो, एनजीओ एनपीओ जो भी होते थे आप, एवरी सो मेनी ऑर्गेनाइजेशंस। फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जरूरत क्या है? सर ऐसा है, एग्जाम्पल ले लेते हैं कि आपके पापा ने आपको 10 लाख रुपए दे दिए कि जाओ बेटा बिजनेस चालू करो। आप जिद कर रहे थे बिजनेस करवा दो बिजनेस करवा दो, क्यों पढ़वा रहे हो, इतना है दबा के रखा हुआ नीचे, क्यों पढ़वा रहे हो, दे ही दो। पिताजी एक दिन परेशान हो गए, वो आए, आके देखा नाहटा एकेडमी में भी पूछा उन्होंने आके कि भैया कैसा क्या मेरे बेटा। तो तरुण सर, मैं, नाहटा सर, हम सब ने बोला कि आप ज़्यादा सपने मत देखो, इसके सपने बहुत बड़े हैं और मेहनत है नहीं, तो इसकी नींद भी बड़ी है और सपने भी बड़े हैं, तो इसको आप ले जाओ। तो उन्होंने कहा ठीक है, अब मैं 10 लाख रुपए इसको दे देता हूँ। मान लो आपको 10 लाख रुपए पापा ने दे दिया, आपने कहा चलो अब बिजनेस करेंगे। पापा ने कहा देखो भैया एक एक पाई का हिसाब रखना। आपने कहा पापा फालतू बातें मत किया करो, ये कंडीशन वंडीशन अगर रख रहे हो ना तो ये 10 लाख रुपए मत लो, रहने दो। तुम दिन भर जान खाओगे मेरी कि क्या किया क्या किया क्या किया, क्या किया, ये फालतू काम नहीं होता, इससे तो मैं सीए कर लूँगा। पिताजी ने कहा नहीं 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 इतना एटीट्यूड मत दिखा, चल मैं 3-3 महीने में आके तेरे से हिसाब मांगूंगा। और नहीं, हिसाब नहीं दूंगा। अच्छा ठीक है, 1 साल बाद आके हिसाब मांगूंगा। अब ठीक है, अब हम बैठ गए, हमने किराने की दुकान खोल ली, सारा किराना ला के भर लिया, बढ़िया उद्घाटन किया, ऐप पे ग्रुप बना दिया, सारे कॉलोनी वालों को भेज दिया, सब ग्रॉसरी स्टोर शुरू हो गया। सुबह सुबह 7 बजे अपन अगरबत्ती लगाते बैठ जाते, रात को 8 बजे 9 बजे दुकान बंद करते, घर से ही खाना आता, एटीट्यूड घर में इतना कि अपने से बिजी कोई नहीं, वैसे भी थे भी अपन बिजी, यहाँ से लाना वहाँ से लाना, भयंकर मेहनत की। पिताजी बोल रहे हैं 3 महीने में बेटा क्या चल रहा है, मतलब आपको कहा था हिसाब नहीं दूंगा, आपको पैसे चाहिए गले में पड़े, दूं वापस? नहीं 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 चाहिए बेटा, ठीक 6 महीने बाद। और बेटा क्या चल रहा है? यार आप फिर हिसाब मांग रहे हो यार, चल रहा है ना धंधा, बढ़िया चल रहा है, सीजन है, माल भरा हुआ है। नहीं, गल्ले में पैसे हैं कि नहीं? गल्ले में पैसे हैं लेकिन अभी उससे माल भरा हुआ, माल ज़्यादा है गल्ले कम है। ओके, 9 महीने बाद, पापा वो 1,000 रुपये 2,000 रुपये हो तो दे दो यार, वो सैलरी बांटनी है, तुम हिसाब रख रहे हो, सारा हिसाब है, माल भरा है गल्ला भरा है, तो गल्ला भरा है तो दे दे उसको। नहीं नहीं उस सामान लाना है। 1 साल बाद पिताजी ने कहा अब तो हिसाब बताओ। आपने कहा पापा फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार है, एक्रूअल बेसिस पर, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम के हिसाब से, सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड लगाकर, मैं ये घोषणा करता हूँ कि मेरी ये किराने की दुकान ने 10 लाख रुपए के ऊपर आपको 50,000 का प्रॉफिट दिया है। पापा ने कहा बहुत बढ़िया, अति उत्तम। बेटा सुने एक काम करो, 2 ताले खरीद के लाओ। बोले क्यों? बस इसको बंद करेंगे दुकान को। क्यों बेटा? वो 10 लाख रुपए अपन बैंक की एफडी में रख देंगे तो भी 50,000 मिल जाएंगे अपने को, दिन भर दाल बाटी खाएंगे घर पे बैठ के बाप बेटे अपन। क्या मतलब है दिन भर इस्तेसी कराने का यहाँ पे, और मिल रहे कितने? 50,000। हाँ यार, तो इसीलिए हम कह रहे थे 3 महीने में ही समझ में आ जाता तुमको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। 1 साल तक अच्छा हुआ तो 1 साल में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन ले लिए, 3 साल बाद आता तो क्या होता, और लॉस ही हो जाता, बंद करो। हर प्रोपराइटर को अपना परफॉर्मेंस इवैल्यूएट करने के लिए क्या चाहिए? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। और अगर ये प्रोपराइटरशिप की जगह कौन हो, पार्टनरशिप फर्म हो, तब तो भैया हर साल प्रॉफिट अप्रोप्रिएट करने के लिए पीएनएल तो बनाना ही पड़ेगा, बैलेंस शीट तो बनानी पड़ेगी। पार्टनरशिप फर्म है, अब तो 2-3 लोग हैं। और अगर यही प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हुई तो हर एनुअल जनरल मीटिंग में शेयर होल्डर बोलेगा सेक्शन 92 के अंदर के, लाओ रे फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तुम्हारे क्या किया सालों, तुमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हो, करना ही पड़ेगा। हेलो, पब्लिक लिमिटेड कंपनी हुई तो भी करना पड़ेगा, सोसाइटी हुई तो भी करना पड़ेगा, ट्रस्ट हुई तो भी करना पड़ेगा, मतलब एवरी वन नीड्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंटरनली। द ओनर हिमसेल्फ नीड्स वॉट?
financial statement, be it is a proprietor, be it is a partner, be it is a board of director, whomsoever is, they all need what? Financial statement. Sabko financial statement chahiye boss, just to evaluate where we are heading towards. Simple. और financial statement किसको चाहिए? भाई साहब, आपने business चालू किया, भगवान की दया से बेहतरीन चल रहा business. आपने कहा मैं इसको एक्सपांड करता हूँ पिताजी के पास, पिताजी 10 लाख रुपए पर हमने 3 लाख रुपए का प्रॉफिट कमा लिया, बाबा एकदम 30% का रिटर्न दिया बैंक से ज़्यादा, पिताजी ने बोला बहुत बढ़िया बेटा अब इसको और बढ़ाओ, तो डिले करो 10 लाख और. नहीं बेटा अब मेरे पास 10 लाख नहीं है, अब तुम एक काम करो बैंक जाओ बैंक से ले लो. आप बैंक गए, बैंक को जाके बोला, बैंक से बोला गया 10 लाख रुपए दीजिए. क्या ये कहाँ से आ रहे हो, किसको छोड़ने गए थे, फर्स्ट ग्रुप वालों को घर तक छोड़ के आ रहे हो, कहाँ निकल गए थे भैया क्या. चलिए हाँ और क्या, मतलब कुछ बच्चों की आदत होती भैया, वो सुबह सबसे पहले आते हैं, वो रिसेप्शनिस्ट का काम भी करते हैं, वो बाद में थैंक्स गिविंग भी करते हैं, मतलब पूरा, अरे आई सैल्यूट टू देम. तो नहीं नहीं ये तो दोनों अपने ही बट्टे हैं, कहीं ये तो घूमते फिरते, कहाँ गए थे भाई, पानी पीने. अरे गजब यार, टशन है बाबा. चलिए सो फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले, बैंक गए, हमने बैंक को कहा भाई साहब हमको लोन चाहिए यार 10 लाख का यार. बोले क्यों 10 लाख का लोन क्यों चाहिए? बोले यार वो भैया ऐसा है कि 10 लाख का लोन तो चाहिए क्योंकि बिजनेस बढ़ाना है. अच्छा आपका बिजनेस है, हाँ तो हाँ लोन मिल जाएगा आपको, कितना दे दोगे? बोले आपको कितना चाहिए आप बताओ, आप कितना दोगे? अरे भैया तुमको कितना चाहिए? बोले 10 लाख तो कम से कम चाहिए. हाँ ठीक है, तो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाना, उसके बाद हम देखेंगे कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी क्या है, सॉल्वेंसी पोजिशन क्या है, फाइनेंशियल रेशियोज क्या है, उसके बाद हम आपको लोन दे देंगे. अब आप उससे पूछ रहे हो सर एक बात बताओ, क्या फाइनेंशियल रेशियो होंगे तो कितना लोन मिलेगा? बैंक वाला आपको देख रहा, मतलब नहीं नहीं मैं जनरली पूछ रहा हूँ, मतलब कितना बनेगा तो कितना मिलेगा, मतलब ऐसा. बैंक वाले ने बोला सर आप तो चुपचाप अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट ले आओ. नहीं नहीं फिर भी आप बताओ. उसने बेचारे ने कुछ बताया, आपने कहा ठीक. आप अकाउंटेंट के पास आए और अकाउंटेंट को बोला अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने हुए, बोले हाँ क्या आ रहा है इसमें प्रॉफिट? सब इतना आ रहा है, इस पे तो कोई 10 लाख अपने को देगा नहीं, बढ़ाओ बढ़ाओ इसको बढ़ाओ, सेल बढ़ा दो. बोले सर हुई तो है ही नहीं. नहीं हुई है ना, तू तो बढ़ा, डेटर बढ़ा दे, सेल बढ़ाओ डेटर बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ डेटर बढ़ाओ, सेल बढ़ाओ डेटर बढ़ाओ. सर सेल डेटर तो बढ़ गए फिर भी मज़ा नहीं आ रहा, प्रॉफिट नहीं बढ़ रहा, क्लोजिंग स्टॉक बढ़ा दो. कितना बढ़ा दूँ? 5-1 लाख से बढ़ा दे. भाई साहब बैलेंस शीट और P&L तो ऐसे देख रहे हैं कि बैंक बोलेगी भाई साहब हमें लोन दे दो. बस अपन यही चाहते थे, ये बैलेंस शीट बैंक को दिखाएंगे. एक दिन गवर्नमेंट का कोई आदमी आ गया आपसे, भाई साहब आप प्रोपराइटर हो? बोले हाँ. तो आप टैक्स देते हो? नहीं अभी तो एक ही साल हुआ है, देखेंगे टैक्स देंगे. वैसे बाय द वे मिनिमम क्या इनकम प्रॉफिट दिखाऊं जिस पे आप टैक्स लोगे? बोल 2.5 लाख, 2.5 लाख के ऊपर टैक्स लगता है, 2.5 लाख. फिर अपन पहुंचे वो जो कल बैलेंस शीट बनाई थी उसको अलग रखो, एक और बनाओ. बोले क्या? बोले एकदम गरीब टाइप की होनी चाहिए. गरीब टाइप की मतलब बोले ऐसी हो कि बैंक वो गवर्नमेंट अपने को बोले कि दादा तेरे को कोई अनुदान अनुदान ग्रांट वांट चाहिए तो ले ले यार, ते तो मर रहा है यार, तेरा गोइंग कंसर्न ही खत्म है. तो तू ऐसी बना एकदम भयंकर गरीब टाइप. फिर थोड़े दिन बाद एक आया क्रेडिटर, क्रेडिटर के पास हम गए, हमने कहा भाई साहब यार हमको ना माल बहुत परचेस करना पड़ता है, आप क्रेडिट पे माल दे दो. बोले यार हेरे गए ना तू, कह रहे हो क्रेडिट पे देते हैं माल, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट लाओ फिर माल देंगे. हाँ तो दे देंगे ना फाइनेंशियल स्टेटमेंट. नहीं 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 आपका. फिर हमने उससे पूछ ली कि तेरा क्या क्राइटेरिया है, फिर अपने अकाउंटेंट को आके बना दिया. ओ भाई साहब जेब में 6 बैलेंस शीट लेके घूम रहे हैं अपन और 6 P&L अलग अलग फ्लेवर के, कौन सा चाहिए?
आवाज करो, आप कौन सा चाहिए? बोले वो दूंगा मैं। गजब कर रहा यार आदमी। अगर आप इस तरीके से फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लग गए, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना कौन सी बड़ी बात है? मैं भी आपको बोलूंगी बेटा अपने अपने सपनों की बैलेंस शीट बनाओ, तो कोई बैलेंस शीट में डिफरेंस थोड़ी रखोगे आप कि बोले सर एसेट लाइबिलिटी भी नहीं मिल रही मेरी, तो अभी सपने की बैलेंस शीट भी नहीं मिल रही तो कैसे काम चलेगा? आप तो अपने हिसाब से रखोगे, मतलब अम्बानी पीछे छोड़ दो आप, आपकी बैलेंस शीट बनाने जाओ या अपने सपनों की बैलेंस शीट बनाओ। ओ भाई साहब, इस देश में तुम क्या सोच रहे हो? तुमने 6 अलग अलग फ्लेवर वाली बैलेंस शीट तैयार कर ली, एक लॉस के फ्लेवर में, एक प्रॉफिट के फ्लेवर में, एक मॉडरेट फ्लेवर में। तो ऐसे गरीब टाइप की ऐसी अगर तुमने बैलेंस शीटें बना के रख ली हैं, तो क्या तुम दे दोगे और सामने वाला भरोसा कर लेगा? ये देश है भारत, यहाँ पे 12th की मार्कशीट की फोटोकॉपी पे भी गजेटेड ऑफिसर के साइन चाहिए होते हैं। समझ में आया? ये बैलेंस शीट जो है ये तुम्हारे व्यवसाय की अंक सूची है, समझ में आया? तो इसको ये सही है कि गलत ही कौन बताएगा? ये बैलेंस शीट सही है या गलत, बैंक कैसे मान ले, गवर्नमेंट कैसे मान ले, क्रेडिटर कैसे मान ले, तुम्हारे एम्प्लॉय कैसे मान ले, तुम्हारे शेयर होल्डर कैसे मान ले, तुम्हारा पार्टनर कैसे मान ले? तो भाई साहब, इसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास ले जाओ जिसके पास अकाउंट्स का भयंकर नॉलेज हो, कॉस्टिंग का पूरा नॉलेज हो, टैक्सेशन जिसकी उंगलियों पे नाचता हो, एडवांस अकाउंट्स जिसने गुड़ गुड़ करके पढ़ा हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड जो घोंट के पी गया हो, कंपनी लॉ का जिसको भयंकर नॉलेज हो, डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स का कीड़ा हो, वो ही जाकर के इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देख के बता पाएगा कि ये सही है कि नहीं है? और ऐसा एक ही व्यक्ति है भारत में, चार्टर्ड अकाउंटेंट CA. चार्टर्ड अकाउंटेंट, हाँ, ना IIM ABCDE का, ना नरसी मोंजी का, ना क्राइस्ट का, ना DU का, ना PU का, एक ही है, CA. चार्टर्ड अकाउंटेंट। 350,000 प्राणी हैं इस पूरे भारतवर्ष में, जो 15 लाख कंपनियां, 50 लाख फार्म्स और करीब 1 करोड़ लोगों के इनकम टैक्स को सर्व करते हैं, मात्र 350,000। कोई तो कह रहा था कि सीएम अभी दम ही नहीं रह गया, लप्पड़ मार दो जाके छूट। झूठ बोल रहा है साला, खुद से नहीं हुआ तो हमको फेल रहा है, और हम भी राय लेने किससे जाते हैं? सीए कर लूं जो फेल हो गया। हद कर रहा हो यार। अरे हमारे जब साइन होते हैं ना, तो बैंक बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किए हैं, आई एम एक्सेप्टिंग दिस। गवर्नमेंट बोलती चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया, वी आर एक्सेप्टिंग दिस। क्रेडिटर बोलता है चार्टर्ड अकाउंटेंट ने साइन किया। भाई साहब, मेरे दस्तखत की वो वैल्यू है जिससे कि सामने वाले का विश्वास बढ़ता है, और जो प्रक्रिया में लगा के दस्तखत करता हूं ना, उसे क्या कहते हैं मालूम? और ये मेरे दस्तखत से जो विश्वास बढ़ता है ना, उसको क्या कहते हैं? इसलिए इसका नाम क्या है? समझ में आया? खाली ऑडिटिंग भी नहीं करना है, ऐसी ऑडिटिंग करना है कि सामने वाले को एश्योरेंस हो, विश्वास हो। सो द ओनली ओनली एंड ओनली चार्टर्ड अकाउंटेंट इज हियर टू डू ऑडिट्स, एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स। अगर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अनऑडिटेड हैं, तो उन पर कोई विश्वास नहीं करेगा,
और अगर वो ऑडिटेड हैं तो कोई पूछेगा भी नहीं कि भैया ये सही तो है ना, क्योंकि हमारी सिग्नेचर की ये वैल्यू है। कॉलोनी के कॉर्नर के किराने वाले से लेके अंबानी अडानी तक हर एक की हर फर्म का क्या हो रहा है, ऑडिट मैक्सिमम। और एक ही ऑडिट नहीं हो रहा है, एक एक एंटिटी के दो दो तीन तीन ऑडिट हो रहे हैं। कंपनीज एक्ट के अंदर अलग ऑडिट, इनकम टैक्स के अंदर अलग ऑडिट, जीएसटी के अंदर अलग ऑडिट, तीन तीन ऑडिट हो रहे हैं। इनॉर्मस स्कोप है, इनॉर्मस। इसीलिए तो तुमको कोई गरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलता है, ढूंढे ढूंढे नहीं मिलता। मतलब इसे इसे निकाल लो, जाके सर्च कर लो, गरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं मिलेगा। मैं आपको दिखा सकता हूं बाकी सारे। सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप एक्सीडेंटली सही, बहुत सही कोर्स में आए हो। सो ऑडिटिंग एंड अश्योरेंस, आज बड़ा प्राइड प्राइड फील हो रहा है यार अपने को। मतलब उसकी बार हो जाओ, मतलब अपन बहुत अलग आदमी, बिल्कुल हो ही आप अलग। जब आप किसी से कहते हो कि मैं सीए कर रहा हूँ, तो उसके दो रिएक्शन हो सकते हैं। अगर वो आपके फेवर वाला आदमी हुआ तो बोलेगा वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा करियर है, मज़ा आएगा। और अगर आपसे जलने वाला हुआ तो आपको यूँ देखेगा, तुम और सीए हो जाएगा, तुमसे कर लोगे तुम, तो स्टेटस तो है ना। हेलो, मेहनत करनी पड़ेगी बस, ये चार साल रगड़ लो। इस क्लास में बैठे हर बच्चे का सीए होगा, कब होगा ये मैं नहीं बता सकता, ये मैं लिख के दे दूं स्टैम्प पेपर पे, लगे रहोगे तो सीए होगा। और लगे रहो, आई इररिस्पेक्टिव कि आपकी रिजल्ट क्या आता है, क्योंकि वैसे भी हम क्या बोलते हैं इसको, अटेम्प्ट, एग्जाम बोलते ही नहीं है हम, कहाँ एग्जाम बोलते हैं, हम बोलते हैं सीए की एग्जाम है, एग्जाम फॉर्म बोलते हैं, बाकी बोलते हैं मैंने अटेम्प्ट दिया है। और प्रयास ही सफल होते हैं और प्रयास ही असफल होते हैं। आदमी कभी सफल और असफल नहीं होता, आदमी तो वही होता है। इसलिए बहुत क्लियरली दिमाग में बांध लेना, अगर किसी को ये गुमान है कि वो एक अटेम्प्ट में सब कुछ निकल जाएगा, तो बड़ा बड़ा गुमानची देखे मैंने। और कोई ये कहता है कि हमने तो आज तक एक एग्जाम ढंग से पास नहीं की, तो मैंने ऐसे भी चमत्कार होते हुए देखे हैं कि वो एक एक बार में ही सीए निकल गए। तुम्हारे जितने टीचर हैं उनमें से भी 60% सीए, 60% टीचर्स ऐसे हैं जो एक बार में नहीं निकले, 40% टीचर्स ऐसे हैं जो एक बार में निकले हैं, पर उन 40% ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया जो ये 60% नहीं कर पाए। हेलो, मैं इस एकेडमी का सबसे बहुत सीए में ही था। तो आप टेंशन ही मत लो, अपन तो बीएससी करके आए थे सीए करने को, डायरेक्ट एकदम बेहतरीन प्रेस प्रेस, तो अपना भी हो गया। दो बार फेल हुए इंटरमीडिएट में, अब पांच बार फेल हुए फाइनल में, टोटल 7 बार फेल अपन। बढ़िया, अपन ने आराम से सीए किया 1994 में चालू किया, 93 में चालू किया, 98 में ख़त्म कर दिया, 5 साल में हो गया था ख़त्म। 28 साल में अपन सीए हुए थे, चालू अपन ने 23 में किया था। तो तुम 28 साल में सीए हुए, हाँ तो देख लो, हाँ गूगल पे देख लो कौन क्या है ये आदमी। बाकी ठीक है, 28 साल में के बाद भी आदमी कुछ ना कुछ तो अचीव कर ही लेता है। जो 21 साल में हो जाते हैं वो भी अचीव करते हैं, 28 साल वाला भी कर लेता है। इट डजंट मेक एनी सेंस ना, एज इज जस्ट अ नंबर, आप उसको भूल जाओ। आप सिर्फ कॉन्सेंट्रेट करो। मैं आपकी क्लास में आ ही नहीं पाया इस बार, इंडक्शन में भी नहीं आ पाया, आई वॉज टू बिजी, इसलिए मेरे को आज ये बात करनी पड़ी। अदरवाइज दिस आई हैव दिस टॉक मैं शुरू में करता हूँ व्हेन आई इंड्यूस यू इनटू सीए, पर अब मैं इस बार आ ही नहीं पाया, मैं भयंकर बिजी था, वहाँ 6-6 बैचेस भर के बैठे, तो कहाँ से आए, सब माँ बाप ने छोड़ दिया बच्चों को, जाओ रे जाओ रे जाओ रे, सब आ गए घर में। घर में माँ बाप को बच्चे पसंद ही नहीं आए इस बार, सबको धकेल दिया, जाओ क्लास में। तो वहाँ 6 बैच भरा गई, धमाधम धमाधम, 750-800 बच्चे हो गए वो
उनको संभालने संभालने में भेरा गए हम। मित्तल सर से तो बात ही मत कर लेना, डांट ही देंगे वो। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट कि इसी अटेम्प्ट में अपने को पास होना है बोध ग्रुप, क्योंकि सिलेबस चेंज हो रहा है। सर आई वॉन्ट टू वेट फॉर द सिलेबस, वी हैव हर्ड दैट सिलेबस इज कॉम्प्रेसिंग, ओनली 6 सब्जेक्ट्स आर देयर। बेटा एडवांस अकाउंट और एडवांस अकाउंट्स और अकाउंट्स दोनों मिला के एक कर दिया। अब वो एक तो कर दिया है, मैं और नाटा सर माता फोड़ रहे थे सुबह से आज कि मेरे को 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, नाटा सर को 1 घंटा पढ़ाना पड़ेगा, 1.5 घंटा नाटा सर का, 1 घंटा मेरा, 2.5 घंटे लगातार जब तक हम 4 महीने पढ़ाएंगे तब जाके वो एक पेपर का सिलेबस कंप्लीट होगा। और कैसे पढ़ेगा बच्चा, 28 चैप्टर तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के, 28 चैप्टर्स के तो काउंट, 29 चैप्टर्स के तो काउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, और उसके बाद चालू होंगे नाटा सर के चैप्टर्स, तबाही है वो। इसलिए जल्दी से इसी अटेम्प्ट में सब कुछ निकाल दो, मिल जाओ, कुछ नहीं अब क्या बचा है। अरे कुछ नहीं क्या, मेरे कजिन की शादी, मेरे मामा के लड़के की शादी, मेरे मासी के लड़के, किसी की भी शादी हो, महिला संगीत में पहुंचना है और बारात के पहले वापस निकलना है यहाँ के लिए। ज़्यादा समझ लेना मैंने जो बोल दिया वो, महिला संगीत के जस्ट पहले पहुंचना एग्जीक्यूटिव की तरह। लोग अपने को बोले आगे 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 आगे, अभी बहुत बिजी हूँ, कहाँ तैयार होना फटाफट बताओ, दैट्स इट। टशन है बाबा, सीए कर रहे हैं, कोई मजाक है क्या कि पहले से ही पहुंच जाओगे। लड़कियाँ थाली वाली सजा के टीका काट के वो जो 10-10 रुपये मिलते हैं उसका कोई मतलब नहीं अब, हाँ 2 दिन इससे ज़्यादा नहीं। हाँ जीजा जी पहचाने नहीं पहचाने अपने को मतलब नहीं, पर पहले सीए करेंगे अपने आप पहचानेगा कहाँ जाएगा। नाउ सीए बनना ही है, दैट्स इट, समझ में आ गया। हाँ ये बातें मेरे को करनी थी पहले जो कर रहा हूँ अब। लेट्स स्टार्ट ऑडिटिंग एंड एश्योरेंस। टॉपिक समझ में आया क्या है? वॉट एवर प्रिपेयर्ड इज नाउ बींग एग्जामाइंड बाय होम, चार्टर्ड अकाउंटेंट। अब सुनिए सुनिए सुनिए, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का ऑडिट करने के लिए आपको बाकी सारी चीजें पढ़ाई जा रही हैं। अच्छा मतलब ये है जिसके लिए हमको सब पढ़ाया गया? जी हाँ, और ये सब्जेक्ट जो है ये उन सब की भेल है, और ये सारे सब्जेक्ट में डील करूंगा। हर रोज कोई ना कोई सब्जेक्ट अपने से इंटरेक्ट करेगा। कंपनी लॉ के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे, जीएसटी के एस्पेक्ट देखना पड़ेंगे, इनकम टैक्स के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे, कॉस्टिंग के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे, अकाउंटिंग के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के एस्पेक्ट देखना पड़ेंगे, शेड्यूल 3 के एस्पेक्ट्स देखना पड़ेंगे, सब कुछ देखना पड़ेगा यहाँ, एवरीथिंग, और उसके बाद ये सब्जेक्ट खड़ा होगा। इसलिए ये सब्जेक्ट कॉन्टेम्प्रेरी सब्जेक्ट है। इस सब्जेक्ट में ऐसा नहीं होता कि ये पढ़ के गए और ये लिख के आ गए। तात्कालिक भाषण प्रतियोगिता है 100 नंबर की, एक्सटेम्पोर, पूछा है लिख दो। ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन फंस गया इसको लिखना, नहीं नहीं नहीं, उसने जो क्वेश्चन पूछा है अब अपने दिमाग को अप्लाई करना पड़ता है। इसलिए ये पेपर सबसे टफ, टफ मोस्ट पेपर, किसी से भी पूछ लो, किसी भी फैकल्टी से पूछ लो सबसे टफ कौन सा, तो बोलेंगे भैया उसको देख लेना ऑडिटिंग। और मैं आपसे दिन के सिर्फ कितने मिनट मांग रहा हूँ, 15 से 20 मिनट, उससे ज़्यादा नहीं, पास होने की गारंटी है अगर आपने मेरे साथ 15-20 मिनट पढ़ लिया तो। यहाँ भी रेगुलर। दूसरी बात, ऑडिट में आपको भयंकर रेगुलर रहना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ एक दिन की टॉक दूसरे दिन की टॉक से भयंकर कोरिलेटेड रहती है। ऐसा नहीं होता कि एक दिन अपन एब्सेंट हो गए तो दूसरे दिन पकड़ लेंगे, वो नहीं पकड़ में आता, और फिर वो पूरा चैप्टर ख़त्म हो जाता है, और फिर धीरे धीरे ऐसा लगता है कि 3 चैप्टर तो अपने हुए ही नहीं है ढंग से। तो ये एब्सेंटिज्म या नहीं चाहिए, कितने ज़रूरी काम हो, या तो आप बैच ही ज्वाइन मत करो अगर आपको बहुत सारे काम रहते हैं तो, और अगर आप बैच ज्वाइन कर रहे हो तो भयंकर रेगुलर रहना पड़ेगा,
किसी कारणवश छुट्टी हो गई है तो उसी दिन उसकी रिकवरी भी लेना पड़ेगी, लेकिन मैं रिकवरी नहीं देता। वीक पूरी यूनिट कंप्लीट होती है, फिर यूनिट की यूनिट अपलोड होती है, फिर आपको वो यूनिट देखनी होती है, उसके बाद वो टेस्ट होते हैं। रोज के रोज रिकवरी सेकेंड ग्रुप में हम नहीं देते, क्योंकि सेकेंड ग्रुप में रोज के रोज अगर रिकवरी देंगे तो यहाँ कोई नहीं बैठता, सब अपनी अपनी मर्जी से जाते हैं घर पे, और घर पे जाके हमको मुजरा करवाते हैं, लैपटॉप खोल लेंगे, हैं असीम त्रिवेदी नाचो खटाक, नहीं तुम धीरे हो 2x पे नाचो, फिर 3 स्पीड बढ़ती जा रही है, असीम त्रिवेदी बोलता जा रहा है, इतने में उधर से फोन आ गया, हाय बेबी हाउ आर यू, त्रिवेदी जी तुम जरा 2 मिनट रुको, त्रिवेदी जी पॉज हो गए, भाई बात कर रहा है, बात खत्म हुई, हाँ त्रिवेदी जी शुरू, नहीं हो पाएगा ऐसे तो, हम नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं ही नहीं, ये सब्जेक्ट जबरदस्ती बिठा के पढ़ाने वाले सब्जेक्ट हैं, क्योंकि यहाँ बैठे लोगों में मैं शर्त लगा के कह सकता हूँ कि 20% लोग तो अभी भी घड़ी देख चुके हैं और पड़ोसी से पूछ चुके हैं कि कब तक पढ़ाएगा साला। तो अब आप समझ लो कि जब यहाँ बैठ के मेरी मौजूदगी में ये हाल है तो घर पे लैपटॉप खोल के क्या हाल होंगे या मोबाइल खोल के क्या हाल होंगे। तो ऐसा गुनाह नहीं करना है, बिल्कुल आना ही है रोज़, और या तो फिर आओ ही मत, अपने सारे काम निपटाओ जितने भी आपके हैं बेहतरीन वाले सब, लेकिन यहाँ रेगुलर आना पड़ेगा, यू हैव टू बी प्रिसाइज। हम लोग इस सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आना तो रोज ही पड़ेगा। अब आप आज जब अपने घर जाओगे तो जा करके मॉड्यूल आ गए आप लोगों के, नहीं आए, आ गए, वेरी गुड। तो वो जो सेकंड वॉल्यूम है उसके आज पन्नी फाड़ो, हाँ अलग अलग कर लिए, ऑडिटिंग अलग की है, 3 वॉल्यूम में देखे थे, एक काम करना ऑडिटिंग के उनको अलग रखना और बाकी सारे सब्जेक्ट को एक तराजू में अलग रखना, अलग अलग तोलना, फिर बताना कौन सा सबसे भारी है नाउ। हाँ तो फिर अब उसके बाद भी नहीं समझो तो क्या करें, नमस्ते नमस्ते, आइए स्टडी मॉड्यूल, इंटरमीडिएट पेपर नंबर 6, स्टडी मटेरियल। भाई साहब ये है मॉड्यूल, ये तो है आपका सिलेबस, और सिलेबस के अंदर आपको चैप्टर दिए हैं 1, 2, 5, 9, 10। अच्छा ये अलग अलग हैं, आप तो इधर आओ, ये लीजिए। बेसिकली 2 मॉड्यूल हैं। आज आपको ये जान के खुशी होगी कि तीसरा मॉड्यूल रेफरेंस मॉड्यूल है, जब अपने को जरूरत पड़ेगी निकाल के देखेंगे, और वो बहुत कम पड़ेगी क्योंकि आपका रेफरेंसर मैं हूँ। तो आपको तीसरे वॉल्यूम को तो अलग रख देना है कि नमस्ते, रोज एक अगरबत्ती उसको लगा देना, बस बाकी कोई दिक्कत। बचे 2 चैप्टर, कितने? 13 चैप्टर, 90 आवर्स अपनी स्टडी होगी, 90 आवर्स की, 90 है, डिवाइड बाय 3 मत कर देना, बोला बोला 3 महीने हो जाएगा और बढ़िया, सब उसमें सब आता है, फिर टेस्ट भी आते हैं और भी चीज़ें आती हैं, कभी कोई छुट्टियां आती हैं, दैट ऑल विल कम। मॉड्यूल 1 और मॉड्यूल 2 एग्जैक्टली उन्होंने 50-50 मार्क्स में बांट रखे, लगभग मॉड्यूल 1 55-60 का जाता है कई बार, मॉड्यूल 2 45-50 के बीच में आता है, बट 2 मॉड्यूल्स, और इसमें चैप्टर हैं कुल जमा 13। पहला चैप्टर कंप्लीट करने में हमको 20 दिन लग जाते हैं, कारण ये है कि ये सब्जेक्ट हमने 12th तक
अभी तक कभी नहीं पढ़ा। तो ये सब्जेक्ट की वोकैबुलरी क्रिएट करने में, इस सब्जेक्ट के कंसेप्ट्स बनाने में ही हमको 8 दिन लगते हैं। उसके बाद हम चैप्टर शुरू करते हैं, तो चैप्टर 1 ख़त्म होते होते 20 दिन लगते हैं। उसके बाद हम चैप्टर 3 पर जाते हैं, दैट इज़ ऑडिट डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑडिट एविडेंस, इट ऑल्सो कंज्यूम्स 20 डेज। तो 2 चैप्टर जब तक पूरे होंगे तब तक आपको लगेगा कि भगवान ये हो क्या रहा है, इसलिए क्योंकि ये दोनों चैप्टर्स जो हैं वो पूरा फंडामेंटल बिल्ड करते हैं इस दोनों वॉल्यूम्स का। तो इन दोनों वॉल्यूम्स का फंडामेंटल बिल्ड करने के लिए पहला चैप्टर और तीसरा चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो 20-20 के तो वो 20-20 दिन तो ये 2 चैप्टर खाते हैं। उसके बाद आता है चैप्टर नंबर 5 जो होता है फ्रॉड रिपोर्टिंग, ये हम 5 दिन में ख़त्म करते हैं। उसके बाद हम करते हैं चैप्टर 7 4 दिन, चैप्टर 8 3 दिन, उसके बाद हम आते हैं चैप्टर 2 दैट इज अगेन 3 डेज, देन चैप्टर 4 दैट इज अगेन 3-4 डेज। तो ऐसे करके आप मान के चलिए कि मैक्सिमम लेक्चर जो है, मतलब अगर 90 में से 60 लेक्चर अगर लूँगा तो 260 लेक्चर्स आर फॉर व्हाट वॉल्यूम नंबर 1, रेस्ट 40 आवर्स विल बी डेडिकेटेड टू दिस। सेकेंड मॉड्यूल में स्कोर करना बहुत ईजी है और आधे से ज़्यादा इंडिया सिर्फ यही पढ़ के जाता है, क्योंकि वो उनके लिए, नाट एकेडमी के लिए नहीं, उनके लिए पहला वॉल्यूम पढ़ा ना पढ़ा सब बराबर होता है। उसमें से वो सिलेक्टिव क्वेश्चन याद करके जाते हैं फिर यहाँ आते हैं। तो आप बहुत क्लियरली मॉड्यूल 1 के टोटल कितने लेक्चर हैं, 60, और उसके बाद 30 टू 40 लेक्चर्स अपने कौन से रहेंगे मॉड्यूल 2 के, दिस विल बी अवर एनालिसिस फॉर व्हाट सब्जेक्ट, ये हमारा सब्जेक्ट का कंटेंट है। तो भाई इस सब्जेक्ट को, अच्छा अकाउंट्स कितने नंबर का है, 100, FM 50, ECO 40, अच्छा, और SM 50, और IT 50, और उधर कॉस्टिंग 100। तो आपके 100-100 नंबर के पेपर देखे जाएं तो इट इज़ अकाउंट्स, एडवांस अकाउंट्स, कॉस्टिंग एंड ऑडिटिंग, बाकी सारे सब्जेक्ट तो मिक्स बैग है, 50-50, 40-40 के, है ना। अब हम जब FM जैसे सब्जेक्ट को 50 नंबर के लिए कितने सिंसियरली पढ़ते हैं, भयंकर, पढ़ाने वाला भी अलग ही है, पढ़ने वाले भी अलग हैं, तो भयंकर सिंसियरिटी से जो है आप पढ़ते हो, तो उतनी तो नहीं चाहता मैं, क्योंकि मैं भी तरुण जितना सिंसियर नहीं हूँ, तो वो तो पीस ही अलग है, भगवान ने ऊपर से उनको बनाया ही पढ़ने लिखने के लिए, उतारा ही, मतलब और कोई साफ सूफ करके एकदम बढ़िया चिकन विकन बना के एकदम उतारा लिए सी है, और इसमें कोई दोष नहीं आएगा, ये सुपारी भी नहीं खाएगा, ऐसा टाइप का आदमी उतार के आपको दे दिया, तो ऐसे लोग दुनिया में मिलते नहीं है, है ना। हाँ मेरे जैसे तो हजारों मिलेंगे, पर वो एक आइटम अलग है, तो आप उसको अलग रखो, है ना, उसका कंपैरिजन तो करना ही नहीं, वो अनकंपेरेबल चीज़ है, बनाई अलग भगवान ने, एक चीज़ ही अलग बनाई वो, तो घड़ी 8:29 तो 8:29, 10:30 तो 10:29, भयंकर, अरे घड़ियाल बोलता हूँ मैं तो कई बार उसको नाउ, अरे मैंने कहा ऐसा क्या, समय पे एकदम भयंकर बढ़िया है। तो समय पे अपन भी रहेंगे क्योंकि अपना टॉपिक बहुत बड़ा है, है ना। फाउंडेशन में तो मैं 35-35 मिनट की अपीयरेंस देता था, पर यहाँ पर बहुत अलग वो है, ये चीज़ ही अलग है, वो बहुत वहाँ ज़रूरत भी नहीं थी, लेकिन यहाँ तो अब हम, अभी तो ये हुआ है, तो 90 आवर्स तो मेरे को किसके लिए चाहिए, ऑडिट के लिए। उसके बाद आएंगे सेकेंड ग्रुप का अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, उसके अंदर 50 घंटे चाहिए, तो 90 प्लस 50 140। उधर मेरे को बिजनेस लॉ में चाहिए 20 घंटे, और मुझे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में फिर चाहिए 30 घंटे, वेरी गुड, कितने हो गए, 200 घंटे हो गए, 210, अकेला मैं ही हूँ 210, और अब क्या बचा है, दिसंबर खत्म होने आ गया, अच्छा नवंबर खत्म हुआ, दिसंबर बचा है
जनवरी, फरवरी, मार्च, 30 मार्च तक का प्रोविजन लेके चलना, समझ में आया? अभी से सबको बोल देना, हॉस्टल उतना लगेगा ही, बचाने की कोशिश मत करना कि होली पे जा रहे हैं तो जाने ही दो ना, वो ऑनलाइन ही कर लेंगे, रंग उड़ जाएंगे एग्जाम में, है ना? हाँ, तो बहुत क्लियर है, 15 मार्च से लेकर 25 मार्च के बीच में कोर्स एंड हो जाएगा, 15 से 25 मार्च के बीच में। हालांकि डेडलाइन आपको बताई जाएगी कि भाई अपन फरवरी में एंड कर देंगे, तो जिसको फरवरी में एंड करना हो फरवरी में एंड कर ले, बाकी घर जाके पढ़े, मतलब फास्ट फूड की तरह नहीं खाना है, कोशिश करेंगे, कोशिश बिल्कुल की जाएगी, मैं प्रोविज़न बनाने का कह रहा हूँ आपको। अगर बैच की स्पीड बढ़िया रही, बैच अच्छे से ग्रास कर पाई, कोई अनसर्टेनिटीज नहीं आई, तो वेल विद इन मार्च सेकेंड वीक अपन ख़त्म करके बाहर फेंक देंगे, फर्स्ट वीक में ही बाहर फेंक देंगे, बट टाइम कितना मिलता है उसके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि अभी तो फर्स्ट ग्रुप ही हमारा चल रहा है, वो जैसे जैसे ख़त्म होगा हमारा समय बढ़ेगा, तो पढ़ना बहुत है अभी हमको, तो आप शांति व्यवस्था से प्रोविज़न बना के चलें। मैं प्रोविजनली बोल रहा हूँ 25 मार्च प्रोविजनली, उससे पहले हो जाएगा उसकी गारंटी मेरी, 25 के बाद नहीं जाएगा, ये है। अब अगर कोई ये सोचता है कि यार आखिरी के 15-20 दिन अपन वीडियो पे पढ़ लेंगे, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि मत बचाओ, वैसे भी तुमसे लिया क्या है, इंजीनियरिंग के एक सेमेस्टर की फीस तो ली है, इससे ज़्यादा क्या लिया है CA ने तुमसे, तो क्या मतलब कितना बचा लोगे, 6-8 हज़ार ज़्यादा से ज़्यादा, उससे ज़्यादा क्या बचाओगे, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दिस। फिर भी अगर आपको लगता है कि मैं घर जाके पढ़ना चाहता हूँ, मैं 1 मार्च से घर ही चला जाऊँगा, देन आई विल हैव वीडियोज़ ओनली, इट्स योर चॉइस। बट हम इस बार भी, हमने बैच कब ख़त्म की थी, द बैच वॉज ओवर बाय 5th of September, द बैच वॉज ओवर बाय 5th September, अभी जो बैच गई नवंबर वाले, तो उनको मिला था अक्टूबर और सितंबर, दो ही महीने मिले थे उनको, उससे ज़्यादा उनको मिले भी नहीं थे, सितंबर और अक्टूबर, तो ठीक है ना, अब बढ़िया है, अब क्या है, रिजल्ट आएगा उनका भी, आपके सामने आएंगे वो हंसते खिलखिलाते, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो पर क्या होगा फिर, आपको पढ़ने का टाइम कब मिलेगा, आखिरी में मैं और दीपक सर ही बचेंगे, एट लास्ट आपको यहाँ आना पड़ेगा 2 से 3 घंटे के लिए, उसके बाद पूरा टाइम आप ही का रहेगा ना, वो पढ़ना पड़ेगा, फर्स्ट ग्रुप तो भी खत्म हो जाएगा थोड़ी देर बाद, उसके बाद रहेगा सिर्फ सेकंड ग्रुप, तो घर पे पढ़ने का टाइम तो आपको है ही ना, आपका फर्स्ट ग्रुप तो पूरा रिवाइज हो जाएगा कंप्लीट, जब तक हम आएंगे तब तक तो फर्स्ट ग्रुप के मॉक टेस्ट भी खत्म हो जाएंगे, जब तक सेकंड ग्रुप खत्म होगा तब तक, तो वो तो आपका कंसोलिडेट होकर रखा जाएगा, फिर सेकेंड ग्रुप रहेगा, सेकेंड ग्रुप के भी 3 मॉक टेस्ट हुए थे अभी सेप्टेम्बर में, अभी भी फिर होंगे आपके ऑडिट के मॉक टेस्ट मार्च में। सो वी विल ट्राई टू फिनिश एज अर्ली एज पॉसिबल इन मार्च, एज अर्ली एज पॉसिबल, बट डोंट स्टिक टू कि 15 फरवरी ख़त्म कर दो सर, सपने में भी नहीं हो पाएगा, तो बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट, अभी मेहनत कर लो, देखो अपन ये जुलाई के अंदर पहुंच जाएंगे फाइनल में, सोचो ना जुलाई 2023 आपके नाम के आगे लिखा रहेगा CA फाइनलिस्ट, कितना मजा आएगा, सपने मत दिखाओ यार, हमको हमारे ऊपर ही भरोसा नहीं है, वो आप जानो, मैंने तो जो है वो टारगेट दे दिया आपको, ठीक है। तो आज तो मैंने सिर्फ कर्टन रेजर किया था, कुछ लोगों जो मुझसे पहली बार मिल रहे हैं अभी, तो मुझे ही देख रहे हैं कैसा दिखता है, चश्मा वश्मा लगाया, दाढ़ी वाड़ी बड़ा, ये पहना क्या है, तो चलता है, 1-2 दिन में आपको आदत पड़ जाएगी मेरे इतना आने की, उसके बाद आपको बिल्कुल मक्खन सरीका दिमाग में जाएगा। लेकिन क्या आप ये वादा करते हो कि 15 मिनट रोज दोगे, आज मत देना, आज क्या करोगे 15 मिनट पढ़ के, खाली आज 15 मिनट
अगरबत्ती लगा लेना मॉड्यूल, बढ़िया, सो बढ़िया, शानदार। तो ऑडिट में डरना नहीं है यार, हो जाएगा, देयर इज नो पॉइंट। देखो सेकेंड ग्रुप में जो मार्क्स आपके आएंगे, अभी जो मार्क्स आएंगे तो आप देखना, सेकेंड ग्रुप से सेट ऑफ लेके लोग फर्स्ट ग्रुप क्लियर करते हैं, और 30 नंबर का सेट ऑफ होता है आपके पास, ये आपको बताया होगा किसी ने, नहीं बताया, बहुत बढ़िया, 30 नंबर का सेट ऑफ है। मैं आपको कम से कम 8 एग्जांपल इस रिजल्ट में दूंगा कि अगर एक ग्रुप देते तो सिर्फ फर्स्ट ग्रुप निकलता, और दोनों ग्रुप दिए तो फर्स्ट ग्रुप के सरप्लस से सेकेंड ग्रुप निकाल दिया। फर्स्ट ग्रुप के सरप्लस सेकेंड ग्रुप में जुड़ते हैं। अगर आपने सेकेंड ग्रुप में सब में एक में 50, एक में 50, एक में 40, एक में 40, 50 और 50, 100, 40, 40, 180 लेके आए, और उधर अगर आपके 220 हैं तो आपके बहुत ग्रुप क्लियर हैं, और ऐसा 30 नंबर का सेट ऑफ मिलता है, और कम से कम 8 से 9 बच्चे बताऊंगा मैं आपको जल्द सेट ऑफ लेके फाइनल में जाएंगे, तो आप क्यों नहीं जाओगे? ठीक है, तो बाकी की बातें करेंगे कल, बाकी की बातें नहीं, बातें शुरू करेंगे कल से ऑन सब्जेक्ट।